Hey, what's up guys? Myself Mohammed Kaif and you're streaming Often Facts. आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंसानों के प्लास्टिक यूज करने से मरीन लाइफ पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। आज इन सब बातों को सुनकर आपका मन उदास हो जाएगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये वीडियो नॉलेज से भरी हुई है, तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर। हम सब प्लास्टिक यूज करते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं और कचरे ले जाने वाली गाड़ी उसे कलेक्ट करके लेके जाती है। हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, पर प्लास्टिक को डिस्पोज करने का कोई तरीका नहीं। उसे हम जला नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने प्लास्टिक को जलाया तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज होंगे और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती है। और एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक के जलाने से ओजोन लेयर में होल कर देता है। ओजोन लेयर हमें स्पेस में घूमने वाले खतरनाक चीजों को पृथ्वी में गिरने से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन में होल होने से बहुत से अनवांटेड स्पेस पार्टिकल्स हमारे अर्थ में एंटर होते हैं। ये सब जानते हुए भी कुछ लोग प्लास्टिक को जलाते हैं। हम प्लास्टिक को जमीन में भी डंप नहीं कर सकते। अगर हमें सॉइल में डंप किया तो वो मतलब लैंड की फर्टिलिटी को इफेक्ट होगा। मतलब प्लास्टिक को डिस्पोज करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए इंसान प्लास्टिक को ओशन में फेंक देते हैं। अभी तक ओशनिक एनवायरनमेंट में 150 मिलियन टन प्लास्टिक जमा हो गया है और हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक ओशन में फेंक दिया जाता है। इस वजह से हर साल लगभग 100 मिलियन समुद्री जीवों की मौत होती है। 2050 तक ओशन में समुद्री जीवों से ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ओशन के हर एक जीव की मौत हो जाएगी, यानी समुद्री जीवों का इस दुनिया में से अस्तित्व मिट जाएगा। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं। आपको लगता होगा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सब मिल गए तो हम ओशन पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करना होगा जानते हैं, चलिए। सबसे पहले हमें प्लास्टिक की चीजों को यूज करना रोकना होगा, जैसे कि प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, कप और कई चीजें जिससे प्लास्टिक बढ़ता है। इसके बदले में हम क्लोथ बैग, स्टील बॉटल्स और कांच के ग्लास को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो खाने की चीजें प्लास्टिक में पैक करते बेचते हैं, मतलब लोग पैक करके बेचते हैं जो चीजों को, उन्हें कैसे कंट्रोल करें। आपको बस प्लास्टिक को जमा करना होगा और आप जहां पर भी रहते हो उसके आसपास ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढिए जो प्लास्टिक को कलेक्ट करके रियूज करते हैं, और उनके पास इस प्लास्टिक को हैंडओवर कर दीजिए। आगे का वो देख लेंगे, वो उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर देंगे। तीसरी बात, कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जो जगह जगह जाकर सफाई अभियान करते हैं, जैसे कि बीचेस, रोड, तो आप उन मूवमेंट्स में जाकर नेचर को क्लीन रखने में हेल्प कर सकते हैं। चौथी बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस अवेयरनेस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मतलब इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी ये बात जान सके कि हम इंसानों की लापरवाही से कितने मासूम जानवर मर रहे हैं। अगर आप यूट्यूबर या फिर टिकटॉकर हो तो आप से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस अवेयरनेस के टॉपिक पर वीडियो बनाकर दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर हमने इन सब चीजों को फॉलो किया तो कितने लाखों मासूम जानवरों की जान बच सकती है, आपको ये बात का अंदाजा भी नहीं। अगर आपको मोटिवेशनल कोट्स रीड करना पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं मोटिवेशनल कोट्स और मेरे चैनल से रिलेटेड डिटेल्स पोस्ट करते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल ओफन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो लेट्स मीट सून इन एन अनदर वीडियो ऑफ ऑफन फैक्ट्स यूट्यूब चैनल।